गाइस जैसा धूप है वैसा गर्मी है। पूरा पार्क घूमने के बाद है ना आपको एक ही जगह से अच्छा व्यू मिलेगा। दोपहर के टाइम पे ना बहुत गर्मी होता है, आप कोशिश करें शाम के टाइम पे आने का और बहुत ही अच्छा लगेगा शाम के टाइम पे घूमने में। धूप में घूमते घूमते बंदर जैसे शक्ल हो जाए। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज हम जा रहे मुगल गार्डन। तो गाइस हमारा स्लॉट है 12 बजे से 1 बजे तक, तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और भावना भी आ रही है, तो मैं और भावना ही जाने वाला हूँ मुगल गार्डन। तो गाइस हमारा गेट नंबर है 35 मुगल गार्डन की। तो गाइस चलते हैं क्योंकि अभी बज गया 11:15, तो पहुँचते हैं मुगल गार्डन। मुगल गार्डन साल में एक ही बार खुलता है और बहुत ही अमेजिंग लगता है देखने में, क्योंकि बहुत तरीके का फूल है वर्ल्ड में, जो जितने भी फूल है ना ऑलमोस्ट सारे फूल मुगल गार्डन में है। तो गाइस चलते हैं और देखते हैं मुगल गार्डन फर्स्ट टाइम। तो गाइस भावना ही आ गई, इतना लेट कराया आधे घंटे। पहुंच गए राष्ट्रपति भवन के सामने, ये है राष्ट्रपति भवन और यहाँ से करना होगा रजिस्ट्रेशन। एक्चुअली हमने ऑनलाइन बुकिंग करके आया था, तो हमने मैडम को बताया कि हमने ऑनलाइन बुकिंग किया, हमने दिखाया तो कह रहे आप सीधा चले जाओ और आपका एंट्री हो जाएगी जल्दी से, आप वहाँ से भी पास ले सकते हो और फिर अंदर एंट्री कर सकते हो। लिटरली यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, यहाँ से है एंट्री और ये देखो लाइन, वहाँ से राउंड ला के इस लाइन से होते हुए यहाँ से एंट्री होता है। अपना बैग में स्टिकर चिपका रहे क्योंकि बैग में स्टिकर चिपकाना बहुत ज़रूरी है, तो हमारे बैग में स्टिकर चिपका दिया और ये लेके आ रहा है। मेरे को दे दे अपना वाला, जमा कराने पड़ेगा। तो सही से स्टिकर चिपका लो, ये वाला ये छूट जाएगा, ठीक है दोनों सही से चिपका लो। तो भावना बैग जमा कराने जा रहे इधर, तो जमा करा के फिर चलेंगे अंदर। ये है बैग जमा करने की जगह, तो आप कोशिश करें खाली हाथ में आने का तो बेहतर रहेगा बिल्कुल। और ये भावना गई है बैग जमा करने। ये है एंट्री गेट, इसके एंट्री के बाद ही आप पहुंच जाएंगे मुगल गार्डन के अंदर। गाइस जैसा धूप है वैसा गर्मी है और यहाँ बना हुआ है डायग्राम पूरा मुगल गार्डन की, मुगल गार्डन की पूरा डायग्राम बना हुआ है कहाँ पर क्या सेट कर रखा है, पूरा चीज है ये। गाइस एक चेकिंग उस साइड हुआ है और वहाँ से दौड़ दौड़ के आते आते यहाँ पर दूसरी चेकिंग है, और यहाँ चेकिंग होने के बाद ये यहाँ पर है चिल्ड्रन पार्क, बच्चों के खेलने की जगह है, और लोग यहाँ से एंट्री कर रहे और अंदर से घूमता हुआ राउंड लगाता हुआ आगे है फाउंटेन, तो फाउंटेन को वहाँ पर जाएंगे यहाँ से राउंड लगा के। मैडम की शक्ल देखा धूप में कैसा कैसा हो गया। सड़ी जगह गाइस कभी मत आना, धूप इतनी ज़्यादा है, भावना की हालत हो गई खराब, पर इसको पसंद नहीं आया मुगल गार्डन। धूप में चमक रहे टकले। अच्छा नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पर, कह रहे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। गाइस को कभी मत आना ये वो, अंदर तो गई नहीं ना अभी तक, तो अंदर पहुँचते देखते उसके बाद रिएक्शन क्या आता है। तो गाइस ये है हरवाल गार्डन की एंट्री गेट, तो यहाँ से एंट्री होता है हरवाल गार्डन की, और कुछ ऐसा है हरवाल गार्डन। और संडे इसलिए बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा है गैस। गैस यहाँ मोर की आवाज़ आ रहा है, अभी आया था कहाँ गया। गैस मोर तो भग गया, और यहाँ पर ये फूल ऐसा है धनिया, धनिया की पौधा की तरह लग रहा है ये, धनिया का पौधा धनिया, और ये भी ऐसे लग रहा है कोई साग सब्जी वाला पेड़ वेड़ जैसा लग रहा है, फूल है नहीं इसमें। ये छोटा सरसों का खेत है गैस, अरे हरा धनिया पुदीना जलजीरा पीने का काम आता है इस। गैस ऐसे तो बहुत सारे आइटम्स किया ना, फूलों के पौधे पौधे देखने को मिल जाते हैं, मतलब एक्सपीरियंस है कि हाँ आओ और देखो और मजे लो। देखा अंकल के टकले पे बाल नहीं है, कंघी कर रहा। गैस ये है नकली गन्ने का खेत, झाड़ियों में नकली गन्ने का खेत है, ये कुछ कुछ लिखा हुआ है स्कैन करके आप उसको देख सकते हो। गैस ये है गेंदा फूल का पौधा, इसको पता नहीं कवर करने का क्या ही मतलब है, इसको लगता है कि मतलब ये कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव फूलों का पौधा है गाइस। गाइस वैसे तो बहुत मज़ा आ रहा है, अलग अलग लोग मिल रहे हैं, अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, और यहाँ पर बहुत टाइप का है ना फूल का पौधा देखने को मिल जा रहा है, वैरायटी अलग अलग वैरायटी, जैसे चिल्ली मोमो चिकन मोमो ऐसे वाला अलग अलग है ना, ऐसे ही अलग अलग पौधा है। ऐसे पौधे आपने कभी नहीं देखे होंगे अपनी लाइफ में, हाँ नाम लिखा हुआ है हर एक पौधे के सामने, ये क्या है।
पीपल का पेड़ है जो मुरछाया गया है, मतलब थोड़ा थोड़ा सूखा पड़ा है, पर वहाँ पर हो रहा है फाउंटेन, फाउंटेन के ऊपर म्यूजिक भी बज रहा है, तो वहाँ चलते। यहाँ पे बड़ा भीड़ लग रहा है फाउंटेन देखने के, यहाँ पर हाय 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 क्या म्यूजिक बज रहा है। अरे यहाँ बहुत ही ज़्यादा ही क्राउड है गाइस, आप देख सकते हैं फाउंटेन चालू, म्यूजिक ऑफ हो गया, रंग लगे गुस्से में। गाइस ये आया मजा गेंदा फूल देखने का, कितने बड़े बड़े गेंदा फूल है, म्यूजिक के साथ फाउंटेन चल रहा है। ओए होए होए क्या म्यूजिक है। कैसा लग रहा है आपको? मतलब ठीक ठाक है, नॉर्मल है, घूमने के लिए गाइस फ्री के अकॉर्डिंग ठीक है, अगर पैसा ले तो ठीक है मत आना। गाइस फाउंटेन के वहां से आप जा सकते हैं म्यूजिकल गार्डन में, तो चलते हैं म्यूजिकल गार्डन इस साइड से। मैडम दोबारा से पीछे आ गए, धूप बहुत ज्यादा हो रहा है, और गाइस धूप में घूमते घूमते बंदर जैसे शक्ल हो जाए। और इतनी धूप है टैनिंग तो पक्का हो जाएगा। हां इनको पहले टैनिंग होता है, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना गाइस। दिस इज द म्यूजिकल गार्डन एंट्री गेट, बहुत ही प्यारा लग रहा है डिजाइन, देख सकते हो बहुत ही प्यारा डिजाइन है। तो एंट्री करते यहाँ से, यहाँ से देख सकते हैं आप राष्ट्रपति भवन को। ये है राष्ट्रपति भवन, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा क्राउड हो रहा है आज। गाइस दोपहर के टाइम पे ना बहुत गर्मी होता है, आप कोशिश करें शाम के टाइम पे आने का, और बहुत ही अच्छा लगेगा शाम के टाइम पे घूमने में। और शाम के टाइम में बेस्ट है यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि घूमने में मतलब ज्यादा आपको इजी रहेगा, क्योंकि इतनी धूप हो रही है। हाँ शाम के टाइम पे आओ, धूप गिर जाएगी तब एंटर करो, मजेदार घूम सकते हो। गाइस वैसे फूल तो बहुत प्रकार के फूल देखने को मिल जाता है यहाँ पर, ये फूल हमने लास्ट टाइम देखा था पत्नीटॉप जाके जम्मू कश्मीर में, देखा आपने, याद है? ये वो वाला फूल है बड़े बड़े, पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लग रहा था ये फूल। गाइस ये है सूरजमुखी फूल, जिसको सनफ्लावर कहते हैं इंग्लिश में। ओए होए होए क्या ये एक्चुअली क्या होता है, जिस तरफ सूरज जाते हैं उसी तरफ ये इसका मुंह घूम जाता है ऑटोमेटिकली। लिटरली गाइस हालत ख़राब होने का टाइम आ गया लग रहा है, और अभी कुछ खाने पीने का जगह ढूंढता हूँ। है कि नहीं? हाँ, और सबसे पहले मैं तो पानी पीऊंगी। हाँ खाते, और यहाँ पर एक गुफा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है वो गुफा, ये पीछे। गाइस पूरे जगह घूमने के बाद सिर्फ ये जगह थोड़ा सा प्यारा सा लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल सा सीन है यहाँ पर, फूल वूल यहाँ पर है थोड़ा बहुत। यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है राष्ट्रीय भवन के सामने, ये हालांकि शायद बैक साइड है, फ्रंट साइड है पता नहीं लग रहा है, बट यहाँ थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। गाइस पूरा पार्क घूमने के बाद है ना आपको एक ही जगह से अच्छा व्यू मिलेगा, और वो है इस साइड, यहाँ से आपको सारे फूल्स देखने को मिल जाएंगे, और ये है राष्ट्रपति भवन, और इसके सामने ना बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है, हालांकि आज संडे है ना इसलिए ज़्यादा क्राउड है। मैडम का फेस देखा अभी हंस रहे, थोड़ी देर पर देखना वीडियो कट होते ऐसा लग रहा है कि गया। तो गाइस चलते हैं, एक्चुअली गाइस मज़ा तब आता है अगर धूप कम हो, गर्मी कम हो तब। गाइस असली मज़ा तो संसद भवन के सामने इस साइड आता है, ये बाहर निकलने का। क्राउड देख सकते गाइस कितना ज़्यादा क्राउड है। गाइस सबसे ज़्यादा फूल वूल है ना इसी साइड देखने को मिलता है, और यही है मेन फूलों की बगीचा, कितना खूबसूरत लग रहा है इधर, और बहुत ही ज़्यादा ही क्राउड हो रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, और यहाँ आने के बाद है ना फूलों की खुशबू आता है ज़बरदस्त वाली। ये है गुलाब का फूल, और यहाँ पर वाइट गुलाब का फूल, जबरदस्त चीज बना रखा है इसके ऊपर फूल, ये पहली बार दिख रहा है ये वाला फूल।
गाइस ये जगह बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके बाहर निकलेंगे तो दोबारा से एक फाउंटेन है इस साइड, यहाँ पर भी बहुत प्यारा लगेगा। ये देखिए गाइस कितना प्यारा लग रहा है इधर। ये वाला फाउंटेन सही लग रहा है, और बाकी जो है ना उस साइड का बड़ा वाला सही लग रहा था, और ये वाला सही लग रहा है। मुगल गार्डन की सबसे ज़्यादा फूल यहाँ पर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े गेंदा फूल है। हर एक आइटम का फूल यहाँ पर ही है ज़्यादा, और यहाँ सा दिखता है राष्ट्रीय भवन। तो यहाँ से एग्जिट करते हैं। गाइस ये है एग्जिट के द्वार। गाइस ये है मुगल गार्डन की खाने पीने की एरिया है, और यहाँ से चिप्स और हम लेते पानी, क्योंकि पानी की बहुत ज़रूरत है, पानी पीते और चिप्स लेते, और खाना खाएंगे कि नहीं देखते। भावना यहाँ पर स्कैन करिए, स्कैन करके शायद कूपन लेना होता है। गाइस हो गई स्कैन और मिल गई पर्ची, हम लेंगे चिप्स और पानी की बॉटल, और इसमें स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो गाइस हम नॉर्मली खाना पीना हम पहुंच गए एग्जिट द्वार 35 नंबर गेट के बाहर। तो हम यहां से बैग लेते और फिर बाइक के पास चलते। गाइस यहां से आपको बैग लेना होगा, और यहां से आप एग्जिट कर सकते पूरा। गाइस हम पहुंच गए पार्किंग पे, और यहां पार्किंग का कोई चार्जेस नहीं है। आओ और खाली जगह मिले तो खड़ी कर दो बाइक, और ये अपनी बाइक खड़ी है। तो चलते हैं घर, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है। तो गैस घर पहुंच गया, और आप भी जा सकते हो, 31 मार्च तक खुला है। बट दोपहर के टाइम क्या होता है कि बहुत सारे गर्मी और धूप होता है, तो आप कोशिश करें कि शाम के टाइम पे एंटर करें तो अच्छे से देख पाएंगे, क्योंकि शाम के टाइम धूप भी कम होता है और गर्मी भी कम हो जाता है, और क्या होता है कि बहुत अच्छा लगता है शाम के टाइम पे देखने में। और गैस हम ऑनलाइन टिकट बुक करके गए थे, तो हमें वहाँ पर जो मशीन लगा हुआ उसमें ऑनलाइन टिकट बुक करना नहीं पड़ा। तो गैस अभी ऑनलाइन बुक कर सकते हो टिकट, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, वहाँ से बुक कर सकते हो। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।